नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गेहूं की खेती में पहला पानी बुआई से कितने दिन बाद देना चाहिए, यहां जानिए सटीक जानकारी। हमारे देश में गेहूं में बड़े स्तर पर उगाया जाता है। बता दें कि गेहूं की खेती हमारे देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। गेहूं की खेती करते समय किसान इस चिंता में ज्यादा रहते हैं कि उसमें कब पहली बार पानी देना चाहिए। आज हम आपके लिए इन सवाल का जवाब लेकर आए हैं, तो चलिए जानते हैं कि गेहूं की खेती में पहले पानी कब लगाना सही होता है। गेहूं की खेती में कब लगाए पहला पानी? ज्यादातर किसानों का मानना है कि गेहूं में पहला पानी रोपाई के 21 या 25 दिन के बाद लगानी चाहिए, क्योंकि इस दौरान जड़ों का विकास शुरू होता है। इस वजह से यदि 21 या 25 दिन के बाद हम गेहूं में पहला पानी डालते हैं तो खेती अच्छी होती है। यदि फसल की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो 21 के बजाय आप 25 या 30 दिन पर भी पहली सिंचाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि फसल में पीलापन आ गया है और फसल की जड़ें कमजोर हैं तो आप 21 दिन की जगह 18 दिन में भी फसल की पहली सिंचाई कर सकते हैं। इससे यह साफ है कि आप मौसम और मिट्टी के कंडीशन के हिसाब से 18, 21, 25 या 30 दिन में कभी भी गेहूं की पहली सिंचाई कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर